एक नया दिन और एक नई शुरुआत। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डिफेंस प्लानट एंड वी वेलकम यू ऑल ऑन अ यूट्यूब चैनल। बेसिकली हमने चैनल इसीलिए स्टार्ट किया ताकि हम लोग डिफेंस और इससे रिलेटेड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकें, जैसे CDS, CAPF, FCAT, NDA, इंडियन कोस्ट गार्ड और इस तरह से, जिसमें हम रिलेटिवली सेम सिलेबस पढ़ेंगे। उसके लिए हम लोग इस चैनल पे पढ़ेंगे। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं अपने प्रेजेंटेशन स्लाइड से, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ हम इस चैनल में क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे। तो हमारी बेसिकली स्ट्रेटजी इस तरह से रहेगी कि हम अपने, जैसे हमारी एग्ज़ाम्स वगैरह मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर के लिए हम प्रिपेयर करेंगे, जो जैसे कि FCAT एग्ज़ामिनेशन है आपका फरवरी में फर्स्ट या सेकेंड वीक में होने वाला है, तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे। और जो आपकी CDS की नोटिफिकेशन आ चुकी हैं, वो 16 अप्रैल को होने वाला है एग्ज़ाम, और जो CAPF एग्ज़ाम होगा वो आपका अगस्त में होगा। तो इन एग्ज़ाम्स के लिए हमें प्रिपेयर करना है। तो हमारी स्ट्रेटजी बेसिकली ये रहेगी कि हम लोग पहले 4 या 5 महीने या 3 या 4 महीने, जितने में हमारा सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट हो सके हर एक सब्जेक्ट का, उसे हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो लास्ट के 1 या 2 मंथ रहेंगे, हम उसमें रिविज़न अपनी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। रिविज़न के बाद आपको सैटरडे संडे एक मॉक टेस्ट दिया जाएगा, जो कि हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे आपको मॉक टेस्ट दे दिया जाएगा। एक टाइम स्पैन के अंदर आपको पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। तो हम इस स्ट्रेटजी से पढ़ेंगे और आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस वगैरह मिलती रहें क्लासेस के रिगार्डिंग, या फिर कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जिस जो बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, वो इस तरह से रहेगी कि हमारे जैसे सिलेबस में GS में हमारी चीज़ें क्या क्या जाती हैं, GS में हमारी चीज़ें आती हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस। साइंस में भी 3 आ जाती हैं, साइंस में आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और साथ में हमारा एक करंट पोर्शन हम स्टैटिक GK भी करेंगे, स्टैटिक GK प्लस करंट अफेयर्स हमारे। और करंट अफेयर्स हमें बेसिकली पढ़ने होते हैं एग्ज़ाम से 4 महीने के पहले, उसके बाहर का करंट अफेयर्स नहीं आता है। आई हैव क्लियर दिस एग्जामिनेशन बिफोर मल्टीपल टाइम्स, तो मुझे आइडिया इन चीज़ों का कि आपको कितना और कितना नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अभी जैसे कि बहुत चैनल्स पे बच्चे या फिर बहुत जगह से बच्चे 6-6, 7-7 महीने के पढ़ते रहते हैं, तो उसका बेनिफिट नहीं रहता है क्योंकि उसमें से कुछ आता नहीं है। लास्ट के एग्ज़ाम से 1 महीना पहले का छोड़ दो और उससे पहले के 4 महीने के आप स्टार्ट कर दो, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर करंट अफेयर्स के 12-13 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप उसमें से 12 या 13 ईजिली कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे CDS एग्ज़ामिनेशन के अंदर, हमारे CDS एग्ज़ामिनेशन में जो चीज़ हमारे आती है वो आती है इंग्लिश। इंग्लिश बेसिकली CDS में नहीं, CAPF, FCAT हर एक एग्ज़ामिनेशन के अंडर आती है, पर मैं आपको CDS के अकॉर्डिंग बेस CDS का लेके चलेंगे हम, क्योंकि CDS का लेवल होता है और एग्ज़ामिनेशन से टफ आता है। तो हम जितना टफ पढ़ेंगे तो ईजी एग्जामिनेशन की तरफ हम लोग ईजिली स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें आते हैं हमारे 120 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हमारी हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे और हम इजीली स्कोर कर पाएंगे। आपको रेगुलर बेसिस पे इस टेलीग्राम चैनल पे रेगुलर बेसिस पे आपको वोकैबुलरी मिलेगी, वोकैबुलरी और आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, और आपको डेली एवरी सैटरडे संडे एक इसी इंग्लिश का टेस्ट हुआ करेगा, और साथ ही में आपको एडिटोरियल्स वगैरह प्रोवाइड करा दिए जाएंगे इसी चैनल पे। और ये जो चैनल है बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो कोचिंग सेंटर्स वगैरह पे जाना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज वगैरह नहीं आते, ज़्यादा सोर्स नहीं होते। इस चैनल पे हम लोग हर एक चीज़, हर एक सब्जेक्ट पूरा का पूरा 100% क्लियर करेंगे, 100% पढ़ेंगे, ताकि आने वाले टाइम में किसी को भी एजुकेशन के मामले में दिक्कत ना आए। और हर एक बच्चा यहाँ से जो पढ़ेगा वो क्लियर ज़रूर कर लेगा। हमें बेसिकली अपना पढ़ाई जो होती है उसे किसी पेपर या फिर किसी और चीज़ के लिए क्लियर करने के लिए या फिर
किसी चीज़ को क्लियर करने के लिए नहीं करनी होती, बाकी ताकि पढ़ाई हमें इसीलिए भी करनी होता ताकि हम आगे जाके अपनी पर्सनैलिटी को बूस्ट कर सकें, अपने ऊपर काम कर सकें। ठीक है, तो हम और उसके बाद हमारा हम जो जैसे ये इंग्लिश और हमारे जीएस हो गया जो हम अभी करने वाले हैं, इसके बाद हमारी चीज़ आएगी मैथ्स। मैथ्स में हम दो दो चीज़ें करेंगे, अरिथमेटिक प्लस एडवांस। मैथ्स बेसिकली इस तरह से होगा ताकि आपके डिफेंस के एग्जामिनेशन तो कवर हुई हो, साथ ही साथ आपके बैंकिंग, सीपीओ, एसएससी, क्योंकि उनका सिलेबस भी सेम ही आता है। अगर आप ये दोनों कर लेंगे तो आप बैंकिंग के, सीपीओ के, सीएपीएफ, डिफेंस, फिर कोई और एग्जामिनेशन जिसमें ये इन दोनों अरिथमेटिक और एडवांस का यूज़ होता हो, आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। अभी ये जो डिफेंस प्लानेट जो हमारा चैनल है टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगा, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो आज की क्लास इसीलिए थी ताकि आपको ये पता लग जाए कि हम क्लासेस में किस किस तरह से अप्रोच करेंगे अपनी पढ़ाई की तरफ। तो पहले 3 to 4 months हम अपना सिलेबस कंप्लीट करने पर लगाएंगे, उसके बाद लास्ट के 1 to 2 months जो हमारे होंगे हम इसमें रिवीजन करेंगे। आपको भी पता होगा कि रिवीजन के बिना काम नहीं होगा, आप सारा बेसिक सिलेबस कितना ही पढ़ लो लेकिन अगर लास्ट में आकर आपने रिवीजन नहीं किया तो वो चीज़ें ज़ीरो हो जाएंगी और फिर आप एग्ज़ाम में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग रिवीजन भी, जैसे हम लोग साइंस की कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं, साइंस के हमने फिज़िक्स कर ली, तो फिज़िक्स की एक लास्ट में, लास्ट के मंथ्स में वीडियोस शॉर्ट्स अपलोड होने शुरू हो जाएंगे और एक लास्ट में आके एक वीडियो अपलोड होगी जिसमें पूरी की पूरी फिज़िक्स एक ही वीडियो में होगी। इसी तरह से मैथ्स का, इंग्लिश का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, तब हम इस तरह से अप्रोच करेंगे अपनी पढ़ाई की तरफ, अपने स्टडीज़ की तरफ। और आई प्रॉमिस यू कि मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा, जब आप टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज करोगे तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, और अगर आप टाइम टू टाइम मेरे साथ टच में रहिएगा ताकि कोई भी डाउट वगैरह होंगे तो आप उसमें टेलीग्राम चैनल पर डाल देना। मैं भी इंस्टाग्राम पे चैनल वगैरह स्टार्ट करूँगा तो आपको उसका लिंक वगैरह भी नीचे मिल जाएगा ग्रुप में, और इसमें नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपलोड कर दूंगा ये चीज़ें, और आप इसको ज्वाइन करिएगा और साथ में हम लोग अपना पढ़ते रहेंगे और ये पेपर डेफिनेटली हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी अपनी क्लास ओवर करता हूँ मैं, और हम अपनी वीडियोस एक आध दिन में, जैसे जैसे टाइम स्टार्ट होता जाएगा और एक आध दिन में अपनी वीडियोस वगैरह बना के रिकॉर्ड करके अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा, और आप क्लासेस में रेगुलर रहिएगा क्योंकि रेगुलरिटी है वही की है सक्सेस की, रेगुलरिटी के बिना काम नहीं चलने वाला। ठीक है, सो थैंक यू, कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू।